ट्रैफिक जाम को लेकर ग्रामीणों में रोष, नहीं होता स्थाई समाधान। नाडोल पाली कस्बे में बार बार जाम से परेशान ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में कई बार बड़े अधिकारियों को बाईपास व अतिक्रमण की समस्या के बारे में अवगत करवाया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण मंत्री को पोस्ट कार्ड व मेल द्वारा कस्बे को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने व प्रस्तावित बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग भी की। ग्रामीणों ने पंचायत प्रसार अधिकारी रमेश दास वैष्णव को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। कस्बे में अतिक्रमण होने के कारण राज्यकृत मार्ग संकरा हो गया है तथा हर रोज जाम की स्थिति बनती है। इस दौरान कई बार एम्बुलेंस को भी जाम में फंसने के कारण घंटों रुकना पड़ता है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा आसपास के गांवों से आने वाले मजदूरों को भी दिहाड़ी कार्य में परेशानी होती है। कस्बे वासी लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए कस्बे में बाईपास सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। नवरात्रि, होली, दिवाली, मेले इत्यादि पर्व त्योहारों पर तो बाजारों में बहुत ही ज्यादा लोगों का हुजूम रहता है तथा वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं मदन सिंह राजपुरोहित, खादी एवं ग्राम उद्योग प्रकोष्ठ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी। मैं नाडोल की जटिल समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसके एक ही इसका निराकरण है कि नाडोल के बाहर से यदि 2 किलोमीटर बाहर से बाईपास दिया जाए तो ये आए दिन की समस्या खत्म हो जाएगी। इस संदर्भ में मैंने राजस्थान की सरकार से भी और नेताओं से बात करके तो उन्होंने ये कहा है कि भाई ये प्रस्तावित है, स्वीकृत नहीं है, तो हमने मांग रखी है कि इसको स्वीकृत करके बाईपास गिराने की कृपा करावे। मैं व्यापारी धनाराम चौधरी, निवासी नाडोल पतालिया के पास रतन चौराहे पर मेरी दुकान के सामने दिन में कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। अगर बाईपास निकलता है तो समस्या से निजात मिल सकती है।